अंकल जी आप बताइए कहाँ से आए? जहानाबाद से आए तो आपको मतलब बागेश्वर धाम में आकर के मतलब कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मतलब दर्शन किए हैं मतलब बाबा? दर्शन किए हैं बाबा के। इतना मतलब क्राउड है, इतना मतलब भीड़ है जो पूछिए मत। 10 लाख की संख्या में अभी आया हुआ है सब यहाँ देखने के लिए जो अभी कथा चल रहा है। और इसमें मतलब अभी सबका मतलब नाम लेके अनाउंस कर रहे हैं, सबको मतलब बुला रहे हैं, सब मतलब जिसका जो भी समस्या वो समाधान लेके जा रहा है और अब सॉल्व कर रहे हैं गुरु जी। तो देख सकते हैं अभी वही बीच में से आपको दिखाते आगे, इतना मतलब देख सकते पूरे एकदम भीज गए हैं, इतना मतलब क्राउड है, इतना गर्मी है, इतना मतलब धक्का मुक्की चल रहा है जो पूछिए मत। देख सकते चारों यहाँ पे भरा हुआ है। तो अभी कैसे कैसे हम निकल के आए हैं और देखिए गुरु जी का भी प्रवचन चल ही रहा है। तो शाम 5 बजे तक मतलब प्रवचन चलेगा, तो हम वहाँ तक है और दिखाएंगे आपको। और चारों तरफ देख सकते हैं मीडिया का गाड़ी यहाँ पे, देखिए पूरे मीडिया आया हुआ है। आज आप लोग देखिए कैसे मतलब इतना सारा भीड़ था और क्लाउड हो रहा था जो उसमें से मतलब भीड़ से निकलना मुश्किल था, फिर भी हम निकले हैं। और एक तो मेरे भाई मतलब आ चुके हैं, तो इसे चलिए बात करते हैं। तो बताइए यहाँ आपको मतलब आके कैसा मतलब महसूस हो रहा है? और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन करने आए थे पर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, जैसे 5-10 लाख प्लस ही आदमी आ चुके होंगे। तो बाबा से दर्शन तो नहीं हो पाया पर गाइस आप लोग सपोर्ट करिए भाई को, अपना चैनल है भाई का, सपोर्ट करिए। तो देख सकते हैं गाइस पीछे एक लेडीज आई हुई थी, उनके मतलब बच्चा के कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, तो वही मतलब अर्जी लगा रही है जो मतलब बाबा के पास ले जाए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए नहीं है क्योंकि इतना यहाँ पे क्राउड है। देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा मतलब आदमी से आ चुके हैं। तो कौन इस भीड़ में किसको न किसको खुद अपने दर्शन के लिए सब आया हुआ है, तो कोई किसी का मतलब हेल्प नहीं कर रहा है। तो हम भी ले जाते लेकिन यहाँ पे इतना ना गाइस भीड़ है जो क्या ही बताए। और पुलिस तो यहाँ पे डंडा चार्ज भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भीड़ है, किसी को मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए देख सकते हैं। देख सकते हैं मेरा भाई मिल गया है, तो बताइए आप कहाँ से आए? सिमरन। सिमरन तो आपको मतलब बागेश्वर धाम में मतलब कैसा महसूस हो रहा है आके और मतलब दर्शन किए? दर्शन तो नहीं हो पाया है, इतना भीड़ लगा है उसे तो लग नहीं रहा है कि दर्शन। मतलब कैसा लग रहा है मतलब इस मतलब इतना भीड़ देख करके, मतलब पहली बार बिहार में आए हैं तो कैसा आपको महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? हमको यहाँ पर आके मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हाँ हम लोगों के प्रति मतलब भगवान के प्रति विश्वास अभी नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर। तो अंकल जी आप बताइए कहाँ से आए? जहानाबाद से आए, तो आपको मतलब बागेश्वर धाम में आकर के मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मतलब दर्शन किए हैं मतलब बाबा? दर्शन किए हैं बाबा। चलिए तो मतलब दो बार तो चलिए देखिए पहली बार बिहार में आए बाबा और इनका मतलब दर्शन किए और बहुत ही खुश लग रहे हैं अंकल। बहुत खुश लग रहे हैं, सबका मतलब यहाँ पे दुख का हरण कर रहे हैं। चलिए तो बहुत अच्छा है, गर्व की बात है जो हमारे बिहार में आए जो फर्स्ट बेर, क्योंकि एमपी में इनका घर है तो वही मतलब प्रवचन करते हैं, तो पहली बार बिहार में आए हैं तो बड़ी गर्व की बात है जो हमारे बिहार में है। तो चलिए तो देख सकते हैं एक छो इनको मतलब चक्कर आ गया है जो अंदर में थे, तो देख सकते हैं किस प्रकार मतलब यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो दिया गया है काफी यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। हाँ तो बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं मऊ से। कहाँ से? मऊ से। तो आपको मतलब इस मतलब पंडाल में आके मतलब कैसा महसूस हो रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कब से मतलब आ गए? कब आए? कल ही आए थे। तो अब जाना कब? जाएंगे कल।
तो मतलब गुरु जी को देखकर तो कैसा मतलब आपको लग रहा है जी, मतलब पहली बार बिहार में आए हैं और ऐसा मतलब माहौल लग रहा है आपको, मतलब अंदर से कैसा महसूस है और यहाँ आने के बाद मतलब आपको कैसा मतलब बुझा रहा है? बहुत अच्छा लगा। चलिए तो बस इंजॉय कीजिए, ठीक है? हाँ तो भाई अभी एक तो भैया जुड़ चुके हैं, तो बताइए आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर जिला से, जो बिहार ही में पड़ता है। तो मतलब बागेश्वर धाम में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। और मतलब गुरु जी से आप मिले कि नहीं, मतलब दर्शन किए? दर्शन तो बढ़िया से। तो अभी कथा चल रहा है, तो मतलब अब कब मतलब कब आए थे? हम आए कल ही आए। तो बताइए इतना मतलब प्रेम है गुरुदेव से, जो मतलब अभी प्रवचन चल रहा है तो मतलब 17 तारीख की एंड हो जाएंगे, तो आप कब जाइएगा? हम लोग दरबार के लिए ही आए, दरबार समाप्त हुआ, अभी फैमिली देख रही है, हम लोग नाश्ता करने के लिए निकले हैं, आज निकल जाएंगे। तो बताइए आपको मतलब दरबार में आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, और तो गुरु जी का दर्शन भी हुआ। आप लोग कब आए? अभी आए। तो आप मतलब बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा क्राउड हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा मतलब क्या क्या ही बताए। तो आपको मतलब कब जाइएगा? कल जाइएगा। कहाँ से आए? रोहतास जिला से। बताइए इतना मतलब गुरु जी के देखने के लिए आ गए हैं, ठीक है? तो अभी एक भैया मिल गए हैं, तो आप कहाँ से हैं? हम तो फिलहाल मधेपुरा से हैं। और ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, और चैनल का क्या नाम है? एन आर राहुल ब्लॉग। एन आर राहुल ब्लॉग जो देख रहे हैं उनको बहुत बड़ा प्यार दीजिए, कहीं ना कहीं हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। भैया आपको मतलब यहाँ आके कैसा मतलब महसूस हो रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पे जो आए हुए हैं, बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और कई राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, खास करके हमारे पड़ोसी देश नेपाल जो है, हाँ नेपाल से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे खुशी यह है कि बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे। कब तक मतलब रहने का यहाँ पर? देखिए हमको संतिक आश्रम से आज शाम में निकल जाएंगे, जिस दिन बाबा का दरबार लगा था उसी दिन हम लोग आए थे, लेकिन अचानक हम सोचे थे आज निकल जाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है, आज लिख देखते हैं तो बाबा का तरफ से कॉल लिखते हैं, मिलते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे आप लोग इनको ना बहुत बड़ा प्यार दीजिए, ये लड़का आप सोचिए ब्लॉगिंग करने के लिए यहाँ पे आ गया, जहाँ पे लोग न्यूज कवर करता है वहाँ पे ब्लॉगिंग कवर कर रहा है, तो हम ये इनसे और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये ना जो राहुल जी है वो अच्छे अच्छे जगहों पर जाकर घूम घूम के आपको नया नया यूनिक यूनिक कंटेंट दिखाने का प्रयास करेंगे, और तो बने रहिए। और ये और चीज़ तो गाइज अभी बहुत मतलब यहाँ पे धूरा उड़ रहा है और देख सकते हैं काफ़ी मतलब धूल धूल चारों तरफ हो चुकी है। तो अभी शाम के वक्त हो चुका है, तो अभी गुरु जी का मतलब कथा चल ही रहा है, फिर भी हम रिलेट कर जा रहे हैं, मतलब अभी घर जाएंगे। तो बस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से प्यार दिखाइए और भाई को भी दिल से सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नए प्लेस पर, तब तक बाय बाय, टाटा टेक केयर।